सेवा परमो धर्म, सर्विस इज आवर प्राइम ड्यूटी। माय मोटिवेशन इज लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधु मेहता। लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधु मेहता इज द फर्स्ट लेडी गैलेंट्री अवार्ड विनर। शी मोटिवेट्स मी टू कीप ट्राइंग व्हेन चैलेंजेस सीम ओवरवेलमिंग और नियरली इम्पॉसिबल। सो Today, in this video, I'll be telling a short story on Lieutenant Colonel Mitali Madhu Mehta in her point of view. Namaste, मैं Lieutenant Colonel Mitali Madhu Mehta हूँ। मैं वही हूँ देश की सबसे पहली औरत जिसे सेना मेडल से नवाजा गया। तो आज मैं आपको फरवरी 10 जो मेरे साथ बीता उसकी गाथा सुनाने जा रही हूँ। मैं उस वक्त आर्मी एजुकेशनल कॉर्प में पोस्टेड थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एजुकेशनल फील्ड में थी तो कुछ ना कुछ पढ़ाती होंगी। मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरी पोस्टिंग काबुल अफगानिस्तान में हुई थी। ये आम सवाल है कि इंडियन आर्मी में रहकर काबुल में क्या कर रही थी। तो उस समय मैं यूनाइटेड नेशंस के मिशन पर थी। 26 फरवरी 2010 को अचानक से मेरे पास एक खबर आई कि इंडियन एम्बेसी पर हमला हुआ है। मैम, इंडियन एम्बेसी पर हमला हुआ है। तब मैं जगमगा गई। मैंने तुरंत वर्दी पहनी और जल्द से जल्द कमरे को छोड़कर भागने लगी। मुझे पता था कि अफगानिस्तान जैसी जगह पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं हुआ होगा। गाड़ी का इंतजार ना करते हुए मैंने तुरंत भागना शुरू किया। मैं 2 किलोमीटर तक भागती रही। अफगानिस्तान ऐसी जगह है जहां आतंकवाद का साया है, तो जाहिर सी बात है कि शहर की हालत ज्यादा खास नहीं होगी। मुझे पता था कि वहां की हालात ठीक नहीं है, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे साथी ठीक नहीं होंगे। मेरे साथियों को मेरी जरूरत थी, तो मैं उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ी। जब मैं दौड़ रही थी तो मुझ पर कुछ राउंड फायर किया गया। मैं उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे दौड़ती रही। मैं जब एम्बेसी की तरफ पहुंची, वहां की हालात और लोग ज्यादा खास सा ठीक नहीं थे, तो मैंने तुरंत ही वहां की रिपोर्ट ली। What is the situation and how many are injured? Ma'am, we still don't know. How many are injured? मैं जब तक वहां पहुंची थी, तब तक आर्मी ने वहां के एरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया था। सारे आतंकी ढेर हो गए थे। मैंने तुरंत ही एक जवान से पूछा, What is the number of death and respectively the number of Indians? मैं तुरंत ही घायलों की मदद करने में जुट गई। मैं उन्हें मलबे से निकालने में जुट गई। बहुत ही मुशक्कत के बाद सारे घायलों को मैंने मलबे से निकाला। तभी मेरा जवान आया और बोला, वो संख्या सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधु मेहता, फर्स्ट लेडी टू अचीव गैलेंट्री अवार्ड। कर्नल मिताली मधु मेहता के इस देश प्रेम और साहस की वजह से उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। धन्यवाद।